देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो भी फ्रॉग है, फ्रॉग के बारे में मैंने बताया था, दोज फ्रॉग्स आर एक्चुअली 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होगा फ्रॉग्स। इसके बाद पर्पस क्या है फ्रॉग का, ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, द पर्पस ऑफ द फ्रॉग इज टू फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग द मोर्टार एंड देयरफॉर द ब्रिक्स आर लेड विथ फ्रॉग्स ऑन टॉप। फ्रॉग्स टॉप पे रहता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फ्रॉग इज नॉट प्रोवाइडेड इन 4 सेंटीमीटर ब्रिक्स एंड एक्सट्रूडेड ब्रिक्स, ठीक है। फ्रॉग्स जो होगा वो अगर जैसे मान लीजिए एक ये साइज ऑफ द ब्रिक भी है 19x9x4 सेंटीमीटर, इस वाले ब्रिक्स में फ्रॉग्स आर नॉट प्रेजेंट, फ्रॉग्स प्रेजेंट नहीं है इन ब्रिक्सों में जिसका साइज 19x9x4 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है, द ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स एंड थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास एज वेल। अब देखिए जो भी क्लासिफिकेशन होके रखा है, दोस क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये ब्रिक्स क्लासिफाई होके रखा है। इसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर ही ये डिवाइडेड होकर रखा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। देखिए एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। पहले जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है, दोस ब्रिक्स आर, पहला तो है दिस ब्रिक्स आर थोरोली बर्न्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जला हुआ है दूसरी पर्सन जला हुआ नहीं है, ये ऑल ओवर द ब्रिक्स ये जला होकर मतलब जला हुआ है, फुल्ली बर्न्ड, थोरोली बर्न्ड। इनका जो कलर है डीप रेड है, डीप रेड है और चेरी कलर है या तो कॉपर कलर होता है, तीन साइज, तीन इनके कलर हो सकता है, या तो रेड कलर, डीप रेड कलर, या तो चेरी कलर, या तो कॉपर कलर। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है जो इनको हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को हम लोग और एक चीज से मतलब डिनोट करते हैं और एक नाम से, द फर्स्ट क्लास ब्रिक्सेस आर ऑल्सो नोन एज वायर कट ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हम लोग वायर से काटते हैं, दैट इज वायर, दोज ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज द वायर कट ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स या वायर कट ब्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो सरफेस है, दो सरफेसेस आर स्मूथ एंड देयर शेप आर रेक्टेंगुलर शेप, स्मूथ शेप होगा, स्मूथ सरफेस होगा, रेक्टेंगुलर होगा, दोनों ही साइड्स पैरेलल होगा, इनका एजेस जो है, साइड जो है वो शार्प होगा, ब्रिक्स का जो एजेस होते हैं ना, ये सारा एजेस होगा, ये एजेस क्या होगा, शार्प एजेस होगा और स्ट्रेट एजेस होगा, साथ में स्ट्रेट लाइन में भी होगा, एंड कॉर्नर्स जो होगा वो दोस कॉर्नर्स आर स्क्वायर कॉर्नर्स, मतलब एकदम फुल्ली जैसा ब्रिक्स का साइज होना चाहिए, दैट इज 19 इंटू 9 फुल उतने साइज का ही आपको मिलेगा अगर आप मेजर करोगे तो। दोस ब्रिक्सेस आर नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, दिस ब्रिक्सेस आर फ्री फ्रॉम फ्लॉस, क्रैक्स एंड स्टोन्स। फ्लॉस का मतलब है कि उसमें कुछ कमी रहना, तो ये कमी से फ्री है, साथ में इनमें कोई क्रैक्स नहीं है, साथ में इनमें कोई स्टोन्स या जो भी दूसरे पार्टिकल्स है इसमें कुछ नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम क्रैक्स, फ्री फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज फ्री फ्रॉम अदर फ्लॉस। साथ इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्चर। टेक्चर का मतलब क्या है,
जो ब्रिक्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं ना, जो ब्रिक्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज द टेक्सचर। मतलब क्या है टेक्सचर का? मतलब है इसका शेप। दिस ब्रिक्स शुड हैव द यूनिफॉर्म टेक्सचर या यूनिफॉर्म शेप। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्क्रेच इज मेड बाय ए फिंगर मिल। ध्यान, ये ध्यान रखिए, कभी कभार ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये ऑप्शन रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई एक ब्रिक ब्रिक ले लिया, तो हम लोग अपने फिंगर से इसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद आप देखिए कि इसके ऊपर जो है फिंगर का स्क्रैचिंग का साइन जो है वो रहना नहीं चाहिए। अगर वो रह जाएगा, दैट ब्रिक इज नॉट प्रॉपरली बांड, तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं होगा। उसके बाद द फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड नॉट शो लम्स ऑफ लाइम। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मैं इस ब्रिक्स को तोड़ देता हूँ आधे में, तोड़ने के बाद ये जो भी इसका ब्रिक्स का पोर्शन आपको दिखाई देगा, जो भी ब्रिक्स का ये पोर्शन दिखाई देगा, इसमें क्या है ऐसा लाइम जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम, ये दिखना नहीं चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि ब्रिक्स तोड़ने के बाद आपको दिखाई देगा सफ़ेद सफ़ेद लाइम का पोर्शन टुकड़ा, तो वो सब दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखाई देगा तो डेट इज नॉट नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसके बाद नेक्स्ट है द ए मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। दो ब्रिक पहले ले लीजिए, दो ब्रिक लेने के बाद इन दोनों को टकराना है, स्ट्राइक कराना है। स्ट्राइक कराने के बाद आपको दिखना कि फोन के जैसे रिंग बजेगी, रिंग रिंग आवाज बजेगा, दैट इज नोन एज द रिंगिंग साउंड। अगर ये रिंगिंग साउंड बजता है, इसका मतलब है दीज आर फर्स्ट क्लास ब्रिक। अगर नहीं बजेगा, दोज आर नोन एज अदर देन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, द वाटर एब्जॉर्ब ब्रिक्स का ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रिक्स लाइज फ्रॉम 12% टू 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर। 24 घंटे के लिए मैं अगर एक ब्रिक को 24 घंटा के लिए मैं अगर एक ब्रिक को पानी में रखूंगा, तो वो ब्रिक ज़्यादा से ज़्यादा 12% से लेके 15% तक वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब डेड ब्रिक इज नॉट ए प्रॉपर ब्रिक और नॉट ए फर्स्ट क्लास ब्रिक। उसके बाद द क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उनका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द 10 MPa होना चाहिए। 10 से कम होगा तो डेट इज नॉट फर्स्ट क्लास ब्रिक। 10 से ज़्यादा हो तब तो और बढ़िया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जो भी फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, ये ज्यादातर क्या है हम लोग एक्सपोज सरफेसेस में यूज करते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि जहां पे प्लास्टरिंग वगैरह हम लोग नहीं करते हैं, वहीं पे हम लोग ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ प्लास्टरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब देख के ही आपको लगेगा वाह कितना बढ़िया स्मूथ फिनिश है, उसमें फिनिशिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोज आर नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्लास ब्रिक्स। सेकेंड क्लास ब्रिक्सेस आर सपोज टू हैव द सेम रिक्वायरमेंट एज द फर्स्ट क्लास ब्रिक, एक्सेप्ट सेकेंड क्लास ब्रिक्स में कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं मैं ये बताऊंगा आप लोगों को सेकेंड क्लास ब्रिक्स के बारे में। देखिए फर्स्ट क्लास के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ये जितने भी प्रॉपर्टी है टोटल यहाँ पे 9 प्रॉपर्टी है, तो 9 के 9 प्रॉपर्टी आप लोगों को
पढ़ना होगा, ये याद करना होगा, दीज नाइन प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आप लोगों को अभी सेकेंड क्लास ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा।